क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट द होल नंबर स्मॉलर देन 4, 4 से छोटे होल नंबर लिखें। तो 4 से 0 से होल नंबर शुरू होते हैं, 4 से छोटे कौन से होंगे? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद 1, 5 और 10 को नंबर लाइन पे बताना है। ठीक है, ये नंबर लाइन आ गई तो यहाँ से शुरू कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जहाँ तक मर्जी लिख लें। ठीक है, अब देखें ये आ गया 1 और ये आ गया 5 और ये आ गया 10। ठीक है जी, ऐसे इन पे सर्कल बना लेंगे। इसके बाद लेस देन 7, 7 से छोटे होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े। अब इनको नंबर लाइन पे अगर आपने बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? ऐसे ही, ठीक है, जैसे ये बने हुए हैं, फिर उनको ऐसे सर्कल बना देंगे ऊपर। 100 से बड़े तो क्या आएगा? 100, 101, 102। अब कहाँ तक उसने नहीं बताया है, ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे एरो लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 का सम फाइंड करने नंबर लाइन से। ठीक है, अब देखें ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2, 0 से लेके 2 ये आ गया, आगे 3, फिर 1, 2 और ये, तो सम क्या हो गया 2 और 3 का? 5। तो ये हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, ऐसे ही आप 1 और 6 का और 4 और 5 का खुद फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, पहले प्लस वाले हैं फिर मल्टीप्लाई वाले हैं, डिवाइड वाले हैं, वो आप खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, वो आपको बताइए। पहली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। दूसरी क्या है? कमोटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिर चौथी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी,